नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 43B क्लॉज एच के बारे में, जो कि ये कहती है कि अगर आपने अपने सप्लायर्स को 15 दिन या 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, अगर आपका क्रेडिटर MSME में रजिस्टर्ड है, वो माइक्रो हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, वो एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है, एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, तो ऐसे सप्लायर्स को अगर आपने 15 दिन या 45 दिन के अंदर उस सप्लायर्स के अगेंस्ट में या कोई गुड्स के अगेंस्ट में अगर पेमेंट नहीं करी, तो वो वैल्यू है जो आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इस बात का भी आएगा भी अब जो इनकम के अंदर ऐड होगी वो कौन सी वैल्यू ऐड होगी, या जो हमारी 31 मार्च 2024 की जो बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट के अंदर जितने भी हमारे सेंट्रिक क्रेडिट्स की जो लिस्ट आउटस्टैंडिंग जाएगी, वो क्या सारी की सारी टोटल वैल्यू है जो इनकम के अंदर ऐड होगी, उसके अंदर जो GST हमें क्यों किया है उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसके अंदर इनवॉइस के अंदर कुछ इस टाइप का कोई फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज एक्सपेंसेस या कोई पैकिंग चार्ज एक्सपेंसेस अगर कोई इंक्लूड है तो उन एक्सपेंसेस का भी क्या होगा। तो अगर इस टाइप का कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपके सारे कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन हमेशा की तरह, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो जो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारे सेंट्रिक क्रेडिट्स की लिस्ट को हमें किस तरीके से देखना है। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई सा भी यूज करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सेंट्रिक क्रेडिट्स की लिस्ट देखने के लिए हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, और बैलेंस शीट पे जाने के बाद हम करंट लायबिलिटीज पे, और यहाँ पर सेंट्रिक क्रेडिट्स को ग्रुप को ओपन करेंगे। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो टोटल सेंट्रिक क्रेडिट्स की आउटस्टैंडिंग हमारे सामने आ जाएगी। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर 83,255 रुपए की आउटस्टैंडिंग जा रही है। तो अब क्या 31 मार्च 2024 की जो ITR फाइल होगी उसके अंदर ये टोटल अमाउंट इनकम के अंदर एड कर दी जाएगी? तो अब इसके लिए हम देखते हैं इनवॉइस को। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस मैंने 20 मार्च 2024 के अंदर गुड्स परचेज किए, तो अब जाहिर सी बात है भी अब इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू अब इस इनवॉइस के अगर हम देखें तो ये वैल्यू है इसकी 103,693 रुपए की। तो अब क्या ये 103,693 रुपए सारी की सारी अमाउंट मेरी ऐड होगी अगर मैं इसकी 45 दिन के अंदर भी पेमेंट है जो नहीं कर पाता हूं? लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनकम के अंदर अगर ऐड होगा, अगर इस मतलब इनवॉइस के अगर हम पेमेंट है जो नेक्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर मई मंथ तक हम नहीं दे पाते, मई मंथ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थिति भी होगी अगर आपके पास में जो गुड्स है, मान लीजिए उसकी जो बिलिंग है वो 31 मार्च को हुई है, क्योंकि काफी कंडीशन के अंदर ये भी देखा जाएगा कि 31 मार्च 2024 को आपको बिलिंग हुई है। अब अगर इस डेट की अगर 45 दिन अगर हमने नेक्स्ट जोड़ा जाए तो आपका 15 मई 2024 के समथिंग आपकी डेट बनेगी, यानी कि इस इनवॉइस की जो मेरे को पेमेंट है वो 15 मई तक करनी पड़ेगी। लेकिन मई मंथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार ऐसा होगा भी मान लीजिए इनमें बिलिंग है वो तो आपकी 31 मार्च के अंदर होगी, लेकिन इसका जो गुड्स है वो आपके पास में 5 अप्रैल को डिलीवर हुए, तो हमें जो डेट माननी है वो हमारे पास जिस दिन गुड्स हमने रिसीव कर लिया वो डेट हम मानेंगे। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं भी जितना मर्जी लेट हो जाए लेकिन आपकी 31 मार्च की जो भी आउटस्टैंडिंग है सेंट्रिक्रेडिट्स की, उन सभी की जो ड्यू डेट बनती है वो मई 2024 ही बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस इनवॉइस के अंदर वैल्यू कौन सी इनकम के अंदर ऐड करी जाएगी। तो इनकम के अंदर जो हमारी इनवॉइस की जो वैल्यू ऐड होगी वो रहेगी इस इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो वाली अमाउंट। अब इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू कौन सी आ रही है, यहाँ पर 90,795 रुपए की ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये इनकम के अंदर ऐड होगी। अब इसके अंदर तो एक्सपेंसेस भी ऐड है, एक्सपेंसेस आपके जो एड GST की जो अमाउंट है वो GST की अमाउंट आपकी इनकम के अंदर है जो एड नहीं होगी, या इसके अलावा आपके पास में इसके अंदर और भी एक्सपेंसेस अगर हमारे पास एड होते हैं जैसा कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक्सपेंसेस है या कोई पैकिंग चार्ज की कोई एक्सपेंसेस है, अगर वो यहाँ पर एड होते तो वो भी आपके इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, यानी कि बिफोर GST की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी इनकम के अंदर है जो कंसिडर की जाएगी। तो हमें एक बात तो क्लियर होगी भी इनवॉइस की जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको नहीं देखनी, उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो आपको देखनी है। लेकिन अब हम एक बार टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तो
तो वहां पर एक आपको थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए जैसा कि ये इनवॉइस है 57,439 रुपए का, इस मेरे पास सप्लायर्स का आउटस्टैंडिंग है, एंटर में प्रेस करूंगा तो इसके अंदर मेरी पूरी स्टेटमेंट खुल जाएगी और पूरे साल के अंदर जितने भी मैंने वर्किंग करी है वो। अब इस इनवॉइस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मेरे पास में जनवरी के इनवॉइस भी हो सकते हैं, फरवरी के भी हो सकते हैं और मार्च के भी हो सकते हैं। तो हम ये मान के चले कि सारे के सारे इनवॉइस है जो मार्च मंथ के हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर इनवॉइस की वैल्यू भी देख लें, जैसे हमने जूम करते हैं, अब ये 22,288 रुपए की हमने परचेज करी है। अब यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी उठाई है, इंटर प्रेस करके आपको मैं दिखाता हूँ। इस इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है यानी कि विद जीएसटी के अमाउंट है वो हमारी 22,288 रुपए बनती है और ये 22,288 रुपए यहाँ पर आ रही है। अब हम इसको एक बार वापस बैक करते हैं और इस लिस्ट पे चलते हैं। तो यानी कि अब ये 57,439 रुपए की जो आउटस्टैंडिंग आ रही है ये आउटस्टैंडिंग विद जीएसटी विद एक्सपेंसेस है। तो अब हमारी जो इनकम के अंदर जो एड होगी वो कौन सी होगी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू। अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू कौन सी मानते हैं हम, इसे लास्ट इनवॉइस हम देखते हैं तो इस इनवॉइस के अंदर जो हमारी इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू बनती है वो बनती है 19,990 रुपए की, ठीक है, इनकम के अंदर एड होगी। लेकिन अब वहां पर ये इस बात का डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भी इस आउटस्टैंडिंग के अंदर कितना तो टैक्सेबल वैल्यू है और कितना इसके अंदर जीएसटी की अमाउंट है। तो अब इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किया जाता है ये ऑप्शन कोलमनर का। अब कोलमनर का यूज किस प्रकार से करेंगे ये लोग, जब आप अपनी बुक्स अकाउंट्स की ऑडिट कराओगे तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम किसी भी सप्लायर्स के टैक्सेबल वैल्यू में किस तरीके से देखनी होती है, जीएसटी के अमाउंट किस तरीके से देखेंगे और अगर उसके अंदर अलग से कोई एक्सपेंसेस ऐड है तो वो अलग से किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखना और आप अपने लेवल पे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की गो थ्रू जरूर कर लेना, अभी भी 31 मार्च आने के अंदर थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो आप, ताकि आपको पता चल सके हमें किन किन सप्लायर्स की जो पेमेंट है वो मई मंथ तक करनी कंपलसरी होगी, तो वीडियो को जरूर देखना। तो अब हमारी एक बात क्लियर होगी, अब हमें जितनी भी हमारी इनकम के अंदर एड होगी जो भी हमारी सप्लायर्स की वैल्यू रहनी है वो वैल्यू हमारी ये रहेगी टैक्सेबल वैल्यू। तो अब यहाँ पर जो बात आई कि जीएसटी की अमाउंट की, तो जीएसटी की इफेक्ट है जो वो आपका बुक्स को अकाउंट्स के ऊपर कब पड़ेगा, अगर हम ये जो हमारा सप्लायर्स है इस इनवॉइस की वैल्यू की जितनी अमाउंट हमारे पास है इस अमाउंट को अगर हम विद इन 180 दिन अगर हम इसकी पेमेंट है जो नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो जीएसटी का हमने जो इनपुट लिया था मार्च महीने की 3B की रिटर्न के अंदर तो ये हमें रिवर्स करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, अगर हम 180 डेज तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं इस इनवॉइस की हमारे सप्लायर्स को तो ये आपका जो रिवर्स आपको करना पड़ेगा जितना आईटीसी आपने ले लिया था, और आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है इनवॉइस की वो आपके इनकम के अंदर एड होगी। कब होगी, अगर आप अपने सप्लायर्स को मैक्सिमम 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो। अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसकी पेमेंट करोगे, मान लीजिए आपने जून मंथ में करी है, तो आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा हमारा कौन सा रहेगा 24-25 और इसका जो असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26 का, तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जब हम आईटीआर फाइल करेंगे बैलेंस शीट हमारी बनेगी तो उसके अंदर ये रिपोर्टिंग करी जाएगी भी आपने लास्ट ईयर का जितना एक्सपेंसेस था वो आपने 45 दिनों के बाद पेमेंट करी है तो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसकी जो एक्सपेंसेस है वो माना जाएगा। तो एक बात क्लियर होगी भी विद जीएसटी आपका इनकम एड नहीं होगा 45 डेज वाली कंडीशन के अंदर 43B क्लोज एच का जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना और कुलंदर वाला जो वीडियो है उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।